भाई प्रतीक सहजपाल ने तो ऐसा लग रहा है कि टॉप टू में जाने का रास्ता पकड़ लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मेरा नाम है अंकुर, मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि बिग बॉस के घर में राइवलरीज की स्टोरीज बड़ी पिक होती है, कि अगर आपकी राइवलरी है तो आप जो है कई हद तक जो है अपना रास्ता तय कर लेते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। और अगर बहुत कट्टर राइवलरी हो गई एकदम शुरू से लेकर आखिर तक, तो हो सकता है कि ये दोनों ही राइवल्स जो है टॉप टू में नजर आए। एग्जांपल्स काफी बार दे चुका हूं, आप देख लीजिए, राहुल वर्सेस रुबीना, सिद्धार्थ वर्सेस आसिम, शिल्पा वर्सेस हिना, हर जगह आपको यही देखने को मिला है दोस्तों। तो अब ऐसे में अगर हम प्रतीक सहजपाल की बात करें तो निशांत को छोड़ के इनकी तो सभी से राइवलरी चल रही है एक तरीके से देखा जाए, मतलब हर तरफ एक स्टोरी है कहीं ना कहीं। प्रतीक वर्सेस शमिता भी देखने को मिल जाता है, प्रतीक वर्सेस तेजा भी देखने को मिल जाता है, प्रतीक वर्सेस उमर भी देखने को मिल जाता है। तो यहां पर प्रतीक के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं ऐसा लग रहा है, और सही रास्ते पर प्रतीक सहजपाल जा रहे हैं टॉप टू की तरफ। अब देखना यह होगा कि क्या प्रतीक टॉप टू में पहुंच पाएंगे या मेकर्स के प्लान कुछ और ही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड।